लगता है चीन पर संगत का असर हो गया है और शायद यही वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल दुनिया के दिग्गज नेता G20 के लिए दिल्ली में जुटने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चीन ने एक ऐसी हरकत कर दी है जो भारत और चीन के रिश्तों के बीच खाई का काम करेगी। आपको बता दें, चीन ने अपना मानक मानचित्र के 2023 संस्करण को जारी कर दिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। चीन ने जारी किए अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बताया है। इससे चीन एक बार फिर सीमा विवाद को बढ़ावा देने और भारत को उकसाने में लग गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तरफ चीन भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ सीमा पर विवाद खत्म करने के नाम पर बातचीत करता है, तो दूसरी तरफ इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करके विवाद को बढ़ाता है। दरअसल चीन के इस नए नक्शे पर इसलिए भी अब बात हो रही है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में भारत G20 की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है और इसमें चीन समेत दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शीर्ष नेता, वरिष्ठ राजनयिक, वहां के उद्योगपति और तमाम अन्य लोग नई दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। ऐसे माहौल में चीन ने अपने मानचित्र में भारत के हिस्से को अपना बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। गौर हो कि सोमवार को आधिकारिक तौर पर चीन ने अपने मानक मानचित्र के 2023 संस्करण को जारी किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन क्षेत्र, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर उसके दावों सहित अन्य विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत ने बार बार कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर लिखा, चीन के मानक मानचित्र का 2023 संस्करण आधिकारिक तौर पर सोमवार को जारी किया गया और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के स्वामित्व वाली मानक मानचित्र सेवा की वेबसाइट पर इसे जारी किया गया। ये मानचित्र चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की रेखांकन विधि के आधार पर संकलित किया गया है।